हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी कालिका मैथ्स। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं गेम थ्योरी। ये आपके आरपीएससी और जो स्टेट के सेट वगैरह होते हैं, जो नेट के इक्विवेलेंट है, उस एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपके नेट में और गेट में नहीं आता है, तो जो नेट और गेट के लिए देख रहे होंगे वो इसको स्किप कर सकते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, ये स्पेशली आरपीएससी को टारगेटेड किया गया है। तो हम शुरू करते हैं गेम थ्योरी क्या होता है। उसमें स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं कि सम ऑफ गेन्स एंड लॉस क्या होता है। ठीक है, ये होता है कि जब हम गेम स्टार्ट करते हैं तो इसमें एक, मान लो कि दो प्लेयर हमारे पास है, किसी गेम में दो प्लेयर हैं, तो एक प्लेयर का जो लॉस होगा वही दूसरे प्लेयर का गेन होगा, दैट इज प्रॉफिट होगा। ओके, और अगर इनका सम जीरो आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं जीरो सम गेम। ठीक है, अगर ये सम जीरो नहीं आया तो उस केस में हम बोलते हैं नॉन जीरो सम गेम। ठीक है, इसी तरह कुछ और टर्मिनोलॉजी है, एक बार देख लेते हैं। टू पर्सन जीरो सम गेम, ठीक है, इसमें वही कंसेप्ट है कि दो पर्सन गेम खेलते हैं जिसमें एक का लॉस दूसरे के गेन के इक्वल होता है, और अगर इन दोनों का सम जीरो हो जाता है तो उसको बोलते हैं कि टू पर्सन जीरो सम गेम। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है पे ऑफ मैट्रिक्स। पे ऑफ मैट्रिक्स क्या है, जो हम लॉस और गेन का मैट्रिक्स बनाते हैं उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसने कौन सी स्ट्रेटेजी ली, किसका लॉस क्या है, किसका गेन क्या है, इसका डाटा रहता है। आपके एग्जाम में पे ऑफ मैट्रिक्स दिया रहता है और इसको ही सोल्व करके हमें कुछ, जैसे गेम का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, शेडल पॉइंट क्या होगा, ये सारी चीजें बतानी होती है। ये पे ऑफ मैट्रिक्स का ही कैलकुलेशन हमें करना होता है। नेक्स्ट हमारा जीरो सम गेम। ठीक है, जैसे हमने बात किया था, पीछे बताया था कि जीरो सम गेम क्या होता है, जिसका प्रॉफिट मीन्स गेन एंड लॉस दोनों का सम जीरो हो जाए। नेक्स्ट इसमें कि अगर दो पर्सन गेम खेल रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि जैसे एक का गेन और दूसरे का लॉस इक्वल है, तो इसमें क्या होगा, आप किसी एक का मैट्रिक्स बना लीजिए, दोनों के इक्विवेलेंट सेमी मैट्रिक्स बनेगा। अगर एजुम ऐसे करिए कि दो प्लेयर ए एंड बी है, ठीक है, अगर ए को गेन 5 होता है, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग बी को क्या होगा, -5 हुआ, दैट इज इसके पास अगर +5 होगा तो इसके पास -5 होगा, तभी तो इनका सम जीरो आएगा ना। ठीक है, तो इसमें है कि आप इसका पे ऑफ मैट्रिक्स बनाइए या इसका पे ऑफ मैट्रिक्स बनाइए, दोनों का सेम होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। अगर इसके एंट्री में +5 है तो इसके पास क्या हो जाएगा, -5 होगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, टेबल वुड कॉन्टेन द सेम अमाउंट इन पे ऑफ टेबल ऑफ अदर प्लेयर विद द साइन चेंज। ओके, दस इट इज सफिशियंट टू कंस्ट्रक्ट द पे ऑफ टेबल फॉर वन ऑफ द प्लेयर्स। जैसे मैंने बताया कि किसी एक का भी पे ऑफ मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बट आपके एग्जाम में पे ऑफ मैट्रिक्स दिया रहता है तो आपको उसको सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना होगा इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो ये सारा प्रॉब्लम डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं इसको। ओके, हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, तो सिंपल स्टेप बाय स्टेप बात करें तो जब हमें पे ऑफ मैट्रिक्स दिया रहेगा, किस स्टेप से दिया रहेगा, पहले मैं मैट्रिक्स शो कर देता हूं आपको। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, आरपीएससी 2016 का है, जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो इसमें एक मैट्रिक्स दे रहा है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सैडल पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम इन गेम थ्योरी फॉर कंपनी। ठीक है, जिसके लिए एक पे ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसको सोल्व करके आपको बताना है कि सैडल पॉइंट क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, जस्ट हम अब अपना थ्योरी रिकॉल कराते हैं। जो मैट्रिक्स दिया हुआ उसका आप क्या करेंगे, हर एक रो का मिनिमम आप लेंगे, ठीक है, और जस्ट मैट्रिक्स जो इस टाइप से इसके बगल में यहाँ पे आप रो मिनिमम लिख देंगे, उसी तरह हर एक कॉलम का आप मैक्सिमम लेंगे और इसके जस्ट नीचे लिख देंगे। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज करके नोट डाउन किया हुआ है कि फर्स्ट कैलकुलेट मिनिमम ऑफ ईच रो एंड राइट इट आफ्टर लास्ट कॉलम। ठीक है, लास्ट कॉलम में आते इसके बाद यहाँ पे नोट डाउन कर देना। सिमिलर मैनर में आपको हर एक कॉलम का मैक्सिमम लेना है और जस्ट यहाँ पे नीचे में लिख देना है। ठीक है, अब हर एक रो का मिनिमम एंड हर एक कॉलम का मैक्सिमम लेने के बाद क्या करना है, जो रो का मिनिमम लिए थे उसमें से आप मैक्सिमम चूज कर लिए, उसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमिनी। ठीक है, दैट इज पहले आपने मिनिमम निकाला, देन आफ्टर मैक्सिमम निकालना है। तो इसको मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम ऑफ मिनिमम ऑफ ईच रो, मतलब जो हमने स्टेप मैट्रिक्स बनाया था और यहाँ पे जो सभी का मिनिमम लिया था इनका मैक्सिमम ले लो, इसको हम लोग बोलेंगे मैक्समिन। उसी तरह से कॉलम हमने क्या किया था, पहले तो हमने मैक्सिमम निकाला था, ठीक है, तो जो मैक्सिमम निकाला उसमें सबसे छोटा वाला चूज कर लीजिए, दैट इज इनका मिनिमम ले लीजिए, इसको बोलेंगे हम लोग मिनीमैक्स। ठीक है, अब इसी मैक्सिमिन एंड मिनीमैक्स के बेस पे हम अपना सॉल्यूशन की बात करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, दैट इज मैक्सिमिन एंड मिनीमैक्स अगर दोनों इक्वल हो जाता है, देन कहेंगे कि हमारा जो स्ट्रेटजी है वो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी होगा। ओके, एंड इस केस में हम कहेंगे कि इस गेम के पास एक सैडल पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा और
गेम जो होगा स्टेबल गेम होगा, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो। एंड जो गेम वैल्यू होगा वो जब ये दोनों इक्वल होगा तो सेम ही कुछ मान लो कि कुछ के होगा, तो इसी के को हम बोलेंगे कि ये हमारे गेम का वैल्यू होगा। यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो गेम का वैल्यू होगा वो क्या होगा, इक्वल टू मैक्सिमिन एंड मिनिमैक्स, दैट इज ये दोनों तो क्वांटिटी पहले इक्वल था, और जब ये स्टेबल गेम होगा तो उस केस में क्या होगा, गेम का वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक बात और आती है कि मान लो इक्वल तो हो गया बट अगर वो जीरो हो गया, ठीक है, अगर मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमैक्स वैल्यू अगर इक्वल हो गए और ये जीरो हो गए तो इस केस में हम बोलेंगे गेम जो हमारा है फेयर गेम हुआ, ठीक है। और अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, जो यहाँ नेक्स्ट केस में मैंने मेंशन किया हुआ, तब बोलेंगे कि जो हमारा गेम है स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल है, ठीक है। मैंने उन सारे क्वेश्चन का कलेक्शन कर लिया जो बाकी सेट्स में भी आते हैं या पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम में आने की, तो उन सारे प्रॉब्लम्स का कलेक्शन बनाया कि क्या क्या आपको पूछ सकता है, ठीक है। एंड शैडल पॉइंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने जो मैट्रिक्स बनाया था तो इस टाइप से बनाया था, मान लो इस रो में और इस कॉलम में मिला तो ये इसके करस्पॉन्डिंग मिल रहा होगा, तो इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं शैडल पॉइंट, दैट इज शैडल पॉइंट इज द नंबर विच इज द लोएस्ट इन इट्स रो एंड हाईएस्ट इन इट्स कॉलम। तो कॉलम में क्या क्या था, जो पहले हमने मैक्सिमम निकाला था, ठीक है, उसका मिनिमम लिया था, और इसमें मिनिमम निकाला था, इसका मैक्सिमम लिया था, तो यही हमारा हो रहा था ना गेम का वैल्यू या मैक्सिमम जो बोल रहे थे, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो लोकेशन बनेगा उसी को हम लोग शैडल पॉइंट बोलते हैं। और ये पूरा कैलकुलेशन जो मैंने मेथड समझाया कि क्या क्या करना है, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या इस नोट्स में पेज नंबर 66 पे मेंशन है, यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। तो हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल में आपको क्या कर रहा है कि एक गेम दिया हुआ, इसका पूछ रहा है कि शैडल पॉइंट क्या होगा या फिर मिनिमैक्स क्या होगा या मैक्सिमिन क्या होगा। तो आप क्या करिए, फर्स्ट रो का मिनिमम लीजिए, फर्स्ट रो का मिनिमम कितना होगा, -4, मैंने -4 यहाँ नोट डाउन कर दिया। देन सेकंड रो का मिनिमम -7, मैंने -7 को नोट डाउन कर दिया। देन कॉलम वाइज आपको मैक्सिमम लेना है, फर्स्ट कॉलम का मैक्सिमम -3 एंड सेकंड कॉलम का मैक्सिमम 3। अब इसमें क्या करिए, जो मिनिमम निकाला है आपने इसमें मैक्सिमम ले लेना, तो मैक्सिमम कौन सा होगा -4। उसी तरह जो मैक्सिमम आपने निकाला है इसका मिनिमम ले लेना है, तो मिनिमम क्या हो जाएगा -3। तो आपका जो मैक्सिमम हो गया, मतलब मिनिमम का मैक्सिमम हो गया 4 एंड ये जो मैक्सिमम निकाला था इसका मिनिमम क्या हो गया -3। तो देखिए क्या -3 और -4 इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है ना, तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब इस केस में हमारे पास कोई भी शैडल पॉइंट नहीं होगा। और इसको अगर ज्योमेट्रिकली देखना चाहते तो देखिए इसमें ये हो रहा है और इसके करस्पॉन्डिंग ये हो रहा है, ये जब दोनों ओवरलैप करेंगे ना तभी हमें शैडल पॉइंट मिलेगा। अब यहाँ ओवरलैप तो किया नहीं, तो इसका मतलब इस केस में कोई भी शैडल पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं दूसरा एग्जाम्पल शो करता हूँ, इसमें देखिए फिर से वही हमें एक एग्जांपल दिया हुआ, तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट रो का मिनिमम 2, सेकंड रो का मिनिमम -3, थर्ड रो का मिनिमम -5, इधर नोट डाउन कर दिया, ओके। नेक्स्ट फर्स्ट कॉलम का मैक्सिमम 3, फर्स्ट सेकंड कॉलम का मैक्सिमम 2, अभी नोट डाउन कर दिया। अब इस मैक्सिमम में से आपको मिनिमम सेलेक्ट कर लेना, तो मिनिमम को सिलेक्ट कर लिया। अब मिनिमम जो है रो मिनिमम हमने लिया था, इसमें से मैक्सिमम सेलेक्ट कर लिए थे, ए आ गया। यहाँ पे देखिए A2 और A2 दोनों इक्वल है, इसका मतलब मैक्सिमिन एंड मिनिमैक्स दोनों इक्वल है, इसका मतलब इस गेम के पास सैडल पॉइंट होगा, ठीक है। तो सैडल पॉइंट क्या होगा, किसके करस्पॉन्डिंग मिला, इसके करस्पॉन्डिंग यानी यही आपका हुआ ना, तो ए आपका हो जाएगा गेम का वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कि गेम का वैल्यू होगा, और ये साइन के साथ आपको लिखना होता है, +2 है तो आपको +2 यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, +2 होगा। और सैडल पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे मैंने 1,2 लिख दिया, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। और स्ट्रेटेजी क्या हुआ, ए के लिए क्या हुआ, फर्स्ट रो है तो आप ए के लिए लिखेंगे रो 1 एंड बी के लिए लिखेंगे, ए सेकंड कॉलम है तो बी के लिए सेकंड कॉलम, ठीक है। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं इसी टाइप का, जो 3x3 के लिए मैंने लिया हुआ है, ओके। इस केस में देखिए एक 3x3 का मैट्रिक्स है, तो इसका भी फिर वही मैक्सिमिन एंड मिनिमैक्स बनाइए, तो पहले के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 1, दूसरे के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा -11 एंड तीसरे के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा -3। ए 1 -11 एंड -3 नोट डाउन कर दिया, ओके। नेक्स्ट कॉलम का मैक्सिमम लीजिए, तो फर्स्ट कॉलम का मैक्सिमम हो जाएगा 13, सेकंड कॉलम का मैक्सिमम हो जाएगा 13 और फर्स्ट कॉलम का मैक्सिमम हो जाएगा 1। तो यहाँ पे सारा नोट डाउन कर दिया, 1 13 13, ओके। जो ए मिनिमम लिया था इसमें से मैक्सिमम चूज कर लेते, इसमें मैक्सिमम कौन सा है, ए 1 है, इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसी तरह आपको क्या करना है, जो कॉलम का हमने मैक्सिमम निकाला था इस मैक्सिमम का मिनिमम चूज कर लीजिए, इसमें मिनिमम कौन सा है, ए वाला है, इस दोनों को सेलेक्ट कर लिया। क्या ये दोनों इक्वल है क्वांटिटी, बिल्कुल 1 = 1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ मैक्सिमम मैक्सिमिन एंड मिनिमैक्स दोनों इक्वल हो जाएंगे, सो गेम के पास शैडल पॉइंट होगा, ठीक है। कौन किसके करस्पॉन्डिंग होगा, तो ये देखिए जहां इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन हुआ ना, तो ये आपका शैडल पॉइंट हो जाएगा, दैट इज कौन सा रो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो शैडल पॉइंट हो जाएगा 1,1, जो यहाँ पे हमने नोट डाउन कर दिया, शैडल पॉइंट 1,1। स्ट्रेटजी क्या होगा, ए के लिए फर्स्ट रो और बी के लिए फर्स्ट कॉलम,
जहां पे ए के लिए फर्स्ट रो एंड बी के लिए फर्स्ट कॉलम, और गेम का वैल्यू क्या होगा इस पॉइंट पे जो मैट्रिक्स में वैल्यू दिया रहेगा, तो इस पॉइंट पे कौन सा वैल्यू दिया, वन दिया है, तो गेम का वैल्यू ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्स मैंने देखा था कि एक अननोन दिया हुआ था आपके पे ऑफ मैट्रिक्स में, और पूछ रहा था कि उस अननोन का वैल्यू क्या होगा, तो उस पे बेस्ड एक मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा द गेम विथ फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स इज स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल। अगर इस टाइप की कभी भी बात करें आपके एग्जाम में, तो आप क्या करना, जो भी इसमें अननोन दिया होगा इसको इग्नोर कर देना, ठीक है, मतलब आप इसको भूल जाना, और इसके बाद जो मैक्सिमिन और मिनिमैक्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे उसको आप कैलकुलेट करना। ये चीज मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ। तो देखिए यहाँ पे आप लेमडा को भूल जाए, तो लेमडा को भूल जाएंगे तो मिनिमम क्या होगा, 602 का मिनिमम 2 हो गया। यहाँ पे लेमडा भूल जाए तो -1 और -7 का मिनिमम क्या होगा, -7, और यहाँ पे मिनिमम क्या होगा, -2। उसी तरह कॉलम कैलकुलेट करते वक्त लेमडा को भूल जाइए, यहाँ से मैक्सिमम क्या हो जाएगा 2, यहाँ से मैक्सिमम हो जाएगा 6, और यहाँ से मैक्सिमम हो जाएगा -1। अब इसमें इसको कैलकुलेट करिए, इसमें से आपका इन मिनिमम का मैक्सिमम क्या होगा 2, और इन मैक्सिमम का मिनिमम क्या होगा -1, तो क्या इक्वल है, नहीं इक्वल है, ठीक है। तो अभी इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इसके पास कोई भी शैडल पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सैडल पॉइंट यूनिक नहीं होगा। तो हमें अब यहाँ पे लेमडा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो वैसे केस में जब सैडल गेम क्या हो, ए स्टेबल ना हो, ठीक है, दैट इज ए इक्वल ना हो, तो उस केस में जो हमारा गेम का वैल्यू होता है मिनिमैक्स, सॉरी मैक्सिमिन एंड मिनिमैक्स के बीच में बिलोंग करता है, दैट इज जो गेम का वैल्यू होगा मैक्सिमम कितना है 2 और मिनिमम कितना है -1, तो इसके बीच में आपका गेम का वैल्यू लाई करेगा। ओके, तो यहाँ पे लेमडा पूछ रहा है, तो लेमडा तो इससे ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि अगर लेमडा इससे ज्यादा होगा तो फिर ये डाटा हमारा चेंज कर जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब लेमडा मस्ट लाई इन दिस इंटरवल। सो लेमडा का जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा +2। तो इस टाइप से भी आपके कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप इस वे में वर्क करना शुरू कर देंगे। अगर इक्वल होगा तो इसका मतलब जो ए इक्वल होगा वही लेमडा का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल नहीं हुआ तो उसके लिए भी आप देख ही ले। तो चलिए आरपीएससी का क्वेश्चन करते हैं। आरपीएससी का जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो रिसेंट एग्जाम बीता हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें मैट्रिक्स दिया हुआ था, इसमें पूछ रहा है कि आपका शैडल पॉइंट क्या हुआ। तो सिंपली जैसे मैंने बताया उस टाइप से आप वर्क करना शुरू करिए। यहाँ पे आप मिनिमम निकालिए तो क्या हो जाएगा 12, यहाँ पे मिनिमम 8, यहाँ पे मिनिमम 2, यहाँ पे मिनिमम 0। कॉलम वाइज निकालिए तो यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा आपका 40, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा 15, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा 12, और यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा 35। अब क्या करिए, ये जो मिनिमम आपने निकाला है इसका आप मैक्सिमम ले लीजिए, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा 12, और इधर जो आपने मैक्सिमम निकाला है इसका मिनिमम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 12। तो ये देखिए मिनी मैक्स मीन और ए मिनी मैक्स दोनों इक्वल हो गया, तो दोनों इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गेम के पास शैडल पॉइंट होगा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इसके इंटरसेक्शन पे जो पॉइंट लाई कर रहा होगा यही है, तो यहाँ पे कौन सा लाई कर रहा है 12 है, तो जो गेम का वैल्यू हो जाएगा 12 हो जाएगा, और शेडल पॉइंट क्या होगा 1,2, यहाँ से आपका ए सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, शेडल पॉइंट क्या होता था, आपका लोकेशन होता था, दैट इज यहाँ पे लोकेशन ये वाला आया, और ये क्या है गेम का वैल्यू है, तो इसमें मैंने नीचे इसको पॉइंट करके मेंशन किया हुआ है, ये पूरा जो मैंने मेथड समझाया यहाँ पे नोट डाउन है। ओके, इस क्वेश्चन में मैंने ये चीज मेंशन किया कि इन्होंने रॉन्गली स्टेट किया हुआ, कैसे कि जो हमारा शेडल पॉइंट है तो एक पॉइंट होगा ना जी, कुछ बताएगा कि 1,2 या 2,1 समथिंग, इस टाइप का एक लोकेशन बताएगा, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा था, ये तो गेम का वैल्यू है, ठीक है, तो शेडल पॉइंट वैल्यू क्या होगा ये भी पूछते तो समझ में आ जाता, बट एनीवे जो भी लिखे तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि अगर इस टाइप से कुछ मिसप्रिंट भी हो या चाहे टाइपिंग मिसप्रिंट हो तो आप अपने से समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जब वैल्यू पूछ रहा तो ऑब्वियस सी बात है 12 भी हमारे पास आंसर आया गेम का वैल्यू, तो आप उसको ही टिक मार देंगे। इवन तो एक क्वेश्चन आपके जेके शर्मा का एक बुक है ऑपरेशन रिसर्च थ्योरी एंड एप्लीकेशन, उसका एग्जांपल लिया गया, उसमें आप देख सकते हैं पेज नंबर 387 पे मेंशन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरपीएससी का ही पूछा हुआ है, दो क्वेश्चन पूछा हुआ था, यहाँ पे पूछ रहा है गेम का वैल्यू क्या होगा, सेम वर्क करना है, यहाँ पे मिनिमम ले लीजिए 8, यहाँ पे मिनिमम लीजिए 8, यहाँ पे मिनिमम लीजिए आपका 12, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम लीजिए 13, यहाँ पे मैक्सिमम लीजिए 12, यहाँ पे मैक्सिमम लीजिए 14, यहाँ पे मैक्सिमम लीजिए 14, इस मिनिमम में से मैक्सिमम सेलेक्ट करिए 12, और इस मैक्सिमम में से मिनिमम सेलेक्ट करिए 12, ये दोनों इक्वल है, सो गेम स्टेबल है, एंड इसका गेम का वैल्यू क्या होगा 8-12 होगा, जो इंटरसेक्शन का होगा, ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इस वे में आप क्विकली रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ से 2% 0 सम गेम हमने कंप्लीट कर दिया। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैंने सारे क्वेश्चन का कलेक्शन नहीं किया हुआ है,
नेक्स्ट आपका है बीपीएससी लेक्चरर का है, तो अलग एलपीपी वाले सेक्शन में हम लोग इसको कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।